झांसी जिले में सब कहाँ कहाँ लीक कर रहा था? क्या है कि घर घर पानी पहुंचाना पहला लक्ष्य है और रबी के फसल में सिंचाई टेल तक पानी पहुंचे उसकी भी चिंता करनी थी। दोनों को लेकर लगभग पूरी ललितपुर झांसी जालौन की समीक्षा हुई है और लगभग लगभग सभी तैयारी हमारी पूर्ण है। जलाशय में भी पर्याप्त पानी है, कुछ में पर्याप्त पानी नहीं है, लेकिन सभी थोड़ा सा पानी है। बरसात कम होने के कारण थोड़ा सभी में नहीं भरा, लेकिन फिर भी हमारे पास रबी फसल के लिए पर्याप्त पानी है और किसानों को टेल तक पानी देंगे। और ये जो योजना जल जीवन मिशन का चल रहा है उसको भी मैं घर घर जल्दी नल पहुँचाएंगे और शुद्ध पानी देंगे नल के माध्यम से। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व समंदर जाग उठता है। आपकी आवाज आती रहे, हालांकि आप थोड़े से दूर हैं, पर मुझ तक आवाज आ जाएगी और ये आवाज आनी बहुत जरूरी है। आज हम जिस दौर में यहाँ पर दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग स्नेह देता हूं। मित्रों, यह कार्यक्रम पिछले 153 वर्षों से बुंदेलखंड के अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक एवं धार्मिक इस मेले में को निरंतर पूरी भव्यता दिव्यता से मनाया जाता है। संपूर्ण समाज को इतने विशाल स्तर पर एकत्रित करना एक अनुकरणीय कार्य है। यहाँ के चेयरमैन, बाकी सभी लोग जितने टीम के हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, मैं हृदय से सभी लोगों को बधाई देता हूँ। आज से 153 वर्ष पहले जिन लोगों ने एक अच्छे भाव से
इस मेले की शुरुआत की होगी। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे आने वाली पीढ़ियां सदैव इसके लिए परंपरा को सजो कर रखेंगी। आप सभी बधाई के पात्र हैं। साथियों, कहा जाता है जो वृक्ष अपने जड़ों को भूल जाते हैं वो निर्जीव हो जाता है। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ के लोग कभी भी अपने जड़ों की नको नहीं भूलते, अपनी संस्कृति को नहीं भूलते, इसलिए वो हमेशा मजबूत रहते हैं। साथियों, आज मुझे यहाँ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन कार्यक्रम का शुभारंभ करने का अवसर मिला है। इस आयोजन में देश से आए वरिष्ठ कवियों का उत्तर प्रदेश आगमन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।